जमाई बाबू आप जाइए और संतोषी से मिल लीजिए, इस समय उसको आपकी जरूरत है। आप इस फाइल पे साइन कीजिए और आप लोग प्लीज बाहर जाइए, कांस्टेबल इनको बाहर निकालो। चलिए चलिए जा रहे, चलिए चलिए चलिए। थैंक यू, जाइए मिलिए। हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप सबको ये झेलना पड़ रहा है, आप सब इतने परेशान हैं। तुम क्या कह रही हो संतोष, तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था हम पर ऐसा इल्जाम लगेगा। ये सब उस सिंदूरी का किया था। क्या बात कर, सिंदूरिया आई थी। हम जानते हैं तेरे साथ ये सब किसने किया है। हमने संतोषी वो एक बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंस गई है जहां से तुझे हीरो भी नहीं निकाल पाएगा। अंकुर हम तेरे साथ हैं, हम पर भरोसा कर। अच्छा तो ये सब सिंदूरी का खेल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा है ना मुझ पे, है ना भरोसा? बस मुझे वो चिप मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पे। अब रोना बंद करो प्लीज, थोड़ा स्माइल करो मेरे लिए, थोड़ा स्माइल करो। अगर तूने इस चिप को देखा होता ना तो तू मुझ पर हाथ नहीं उठाता। अच्छा संतोषी, वो अंकुर के बारे में कुछ पता चला? हाँ, पर समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताए। कैसे बताओ मतलब क्या, मतलब तुम क्या बोलना चाह रही हो? अंकुर कह रहे थे कि वो प्रताप सिंह के पिता है। What? आप वो फर्जी गवाहों के नाम जानना चाहेंगे? सोच लीजिए, बीवी बच जाएगी आपकी। जानना चाहेंगे तो समझ रहे ना, इसमें क्या? अभी इतना ही है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, फाइल निकाल के लाता हूं। ये देखिए इन दोनों गांवों के नाम और पता है। मुझे पता था इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। एक औरत को बदनाम करने में शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो देर से ही सही, लेकिन तूने हमें पहचान ही लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुन, जिन्हें तूने पकड़ा है ना उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि संतोषी की बेगुनाही का सबूत हमारे पास है। इसलिए तू वहीं पे रुक, हम वहां आते हैं। आ जाओ जल्दी, वेट करो तुम्हारा यहाँ पे।
हो रहा है हमारे साथ? किस चक्रव्यूह में फंस गया? मदद कीजिए माँ, हमारी मदद कीजिए। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, किंतु ये अनुभूति हो रही है कि संतोषी हमें पुकार रही है। हम अपनी शक्तियों से नहीं, किंतु अपने अंतर मन से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं संतोषी। तुम अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना, जीत सत्य की ही होगी। गंदे काम करके बाहर तो गंदगी फैलाती ही है और यहाँ भी गंदा कर रही है। प्यास लगी थी, पानी मिल सकता है क्या? मुझे तुझ जैसी लड़कियों से घिन आती है जो सारी औरत जात को बदनाम करती हैं। ये तेरा घर नहीं है, साफ कर इसे। नुकसान की भरपाई तो तुझे करनी ही होगी। ये हमारे सुहाग की निशानी है। चल दे इधर, निकाल इसे। ये नहीं देंगे। तुम क्या चाहती हो? हमारा हाथ थाम लो, फिर हम संतोषी को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा देंगे। शादी कर ले हमसे और हीरो, हम तुझसे वादा करते हैं, अगर तूने हमसे शादी कर ली ना, तो संतोषी की बेगुनाही का सबूत हम तुझे दे देंगे। हमने कहा हाथ मत लगाइए इसे। अगर ये पहले दे देती तो कम से कम ये टूटता तो नहीं। छोड़ो। अगर ये आखिरी रास्ता है संतोषी को बचाने का, तो मुझे ये कदम लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करा दूँगा। सच? मुझे माफ करना संतोषी, लेकिन तुम्हें जेल से बाहर निकालने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। हीरो, हम ना परसों ही शादी कर लेंगे, और ये बात है ना, हम जल्द से जल्द घर वालों को भी बता देंगे, क्योंकि शादी के बाद हमें उसी घर में रहना है ना, तो हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत लड़ाई झगड़े से हो। किसी से भी हमने कोई सलाह नहीं मांगी, तो बेहतर होगा अपना मुंह बंद करके रखे। Shut up! ये हमारा घर है और धैर्य हमारा देवर है। तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? देखो धैर्य। माँ भी बस, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपना फैसला ले लिया, वो बदलेगा। परसों मैं सिंदूरी से शादी कर रहा हूँ, आप लोगों जो तैयारी करना कर लीजिए प्लीज। सारा सामान यहाँ पे रखो। क्या है ये सब, और तुमने ये सामान यहाँ क्यों रखवाया है? ये सब सिंदूरी की शादी का सामान, जो कि आज रात को होगी, वो भी इसी घर। हम अपनी पार्टी खराब नहीं होने देंगे। शादी तो यही होगी।